बिलासपुर प्रेस क्लब में आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे आपके प्रदेश सह प्रभारी गैरी बडी बिलासपुर में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 2 जुलाई को होने वाली महारैली को सफल बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही तैयारी। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। छत्तीसगढ़ की जनता का मिल रहा अपार जन समर्थन। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी एवं पंजाब के विधायक गुरविंदर सिंह गैरी बडी आज शनिवार को प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां बिलासपुर में गैरी बडी ने 2 जुलाई को होने वाली पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के सीएम भगवंत मान की महारैली और पार्टी की गतिविधियों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान गैरी बडी ने कहा कि 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब बिलासपुर आ रहे हैं। महारैली को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सह प्रभारी गैरी बडी ने कहा कि हम लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद कर रहे हैं। हमें सकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता ने अब की बार परिवर्तन का मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों की समस्या, जनजातियों के हक और जन सुरक्षा के उन मुद्दों पर विस्तार से काम करेगी जो पिछली सरकारों के कार्यकाल में सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गए हैं। गैरी बडी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने पिछले 23 वर्षों में सिर्फ काम का दिखावा भर किया है, जबकि यहां लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। पंजाब में आपकी सरकार बनते ही तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह सब अब भी कोसों दूर है। गैरी बडी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस झूठे वादे और लोकालुभान घोषणा छल कपट करके वोट लेने की राजनीति में लिप्त है। दोनों पार्टियों ने केवल प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ियों के हित में आज तक कोई काम नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्या दोनों पार्टियों की प्रदेश की जनता से नफरत है, या फिर कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलीभगत से प्रदेश के लोगों का विकास नहीं चाहती? इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ झूठे सपने दिखाकर षड्यंत्र पूर्वक प्रदेश की जनता का वोट लेने का काम किया है, धोखा किया है, झूठ बोलकर उनका हक मारने का काम किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। देखिए, आने वाली 2 तारीख को हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए हम बिलासपुर शहर में एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि 1 लाख से प्लस जो हमारे साथी हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, उनको सुनने आएंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उनकी क्या विजन है और दिल्ली और पंजाब में उन्होंने क्या क्या काम करके दिखाए, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना मैसेज लेके जाएंगे। और हम जो आने वाले विधानसभा हैं उसके लिए पूरी तैयारी से, पूरे जोर से काम कर रहे हैं और पूरी 90 की 90 सीटों पे हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग हमें उसी तरीके से प्यार देंगे जैसे पूरे देश में बाकी सूबों में हमें लोग प्यार दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में हम आम आदमी पार्टी की सरकार लेंगे।